पूर्णिया के ग्रीन वैली स्टेडियम ने आधुनिक क्रिकेट में एक नई गाथा लिख दी है। बीसीए की सबसे बड़ी टूर्नामेंट हेमंत ट्रॉफी की मेजबानी लगभग दो दशक बाद सीमांचल को मिली और आधुनिक सुविधाओं से लैस ग्रीन वैली ग्राउंड ने बीसीसीआई के समक्ष सफल आयोजन कर ऑफिशियल टूर्नामेंट के लिए दावेदारी पेश कर दी। पूर्णिया में खेले गए हेमंत ट्रॉफी के फाइनल में मेजबान पूर्णिया को भागलपुर ने 7 विकेट से शिकस्त देकर दूसरी बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। फाइनल में भागलपुर की ओर से 5 विकेट लेने वाले गोविंदा को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। फाइनल में मुकाबला देखने खुद बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जिनके हाथों से विजेता उप विजेता तथा ऑफिशियल्स को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाली रणजी ट्रॉफी के लिए राज्य क्रिकेट को हेमंत ट्रॉफी आयोजित करना होता है, जिससे बेहतर और प्रतिभावान खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं और देश के लिए खेलने का सपना पूरा करते हैं। ग्रीन वैली मैदान इस लिहाज से भी एक पहचान छोड़ने में कामयाब हुआ है, क्योंकि अब तक मोइनुल हक स्टेडियम के बाद बिहार का दूसरा श्रेष्ठ ग्राउंड बना जो बड़े टूर्नामेंट आयोजित करने में सक्षम है और मादा रखता है। टूर्नामेंट में भागलपुर के शिरोवंश ने सर्वाधिक 604 रन बनाए, जबकि लखीसराय की ओर से खेलते हुए प्रणय प्रसाद ने सर्वाधिक 14 विकेट लिए। पूर्णिया के शिशिर साकेत ने हरफन मौला प्रदर्शन करते हुए बल्ले से 382 रन और 12 विकेट लिए हैं, जिसके लिए उन्हें इस हेमंत ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। 1, 2, 3 निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण के कारण कई गतिविधियां ठहर सी गई थी, लेकिन धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हुआ और सभी क्षेत्रों में, चाहे खेल का आयोजन हो या महोत्सव का आयोजन हो या और भी गतिविधियां हो, प्रारंभ हो गई है। उसी क्रम में हेमंत ट्रॉफी का फाइनल मैच, अंतिम मैच आज पूर्णिया स्थित ग्रीन वैली के मैदान में अभी समाप्त हुआ है। और वास्तव में हेमंत ट्रॉफी काफ़ी प्रतिष्ठित ट्रॉफी है, खास करके बिहार के खिलाड़ियों के लिए। मुझे याद है कि कटिहार में मैंने 2000 के आसपास हेमंत ट्रॉफी का और इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट मैं स्वयं करवाया हूँ, और वास्तव में आज अच्छा लगा कि कई वर्षों के बाद इस तरह के आयोजन प्रारंभ हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि बिहार में खेल के संबंध में जो हमारी सरकार की रुचि रही है, और कला संस्कृति विभाग ने खेल के क्षेत्र में भी ऐसे खिलाड़ियों को और बेहतर प्रशिक्षण दें, हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए, इसके लिए सरकार भी तत्पर है। और हम सबों का प्रयास है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच के अनुसार खिलाड़ियों का प्रशिक्षण भी हो और जो गेम्स का जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी उन्हें उस स्तर का उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेने में उन्हें सुविधा हो। मैं सभी खिलाड़ियों के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करता हूं, और इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर है। हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में बिहार के साथ साथ इस क्षेत्र में भी खेल के क्षेत्र में जो भी संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की ओर से। सर, सीमांचल क्षेत्र में पहली बार हेमंत ट्रॉफी का वेन्यू मिलना, फाइनल सेमीफाइनल का, ऐसा नहीं है। इसके पहले 2000 के आसपास मैंने बताया था कि कटिहार में हेमंत ट्रॉफी फिनाले का वेन्यू इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ था और मैं स्वयं आयोजक था, लेकिन परसों बाद फिर यह आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं
पूर्णिया जिला क्रिकेट एसोसिएशन एवं बीसीए को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कोरोना के काल के बाद पहली बार ह्यूमन ट्रॉफी प्रतियोगिता हुआ है, भागलपुर टीम आप लोग जीती है, कैसा लग रहा है? अच्छा, हम ये जाते हैं दूसरा बार हम लोग बिहार चैंपियन हुए हैं ह्यूमन ट्रॉफी का, और अच्छा लग रहा है कि क्रिकेट बंद हो गया था कोरोना काल को लेके और क्रिकेट आया, और हम लोग जैसे सर ने बताया कि रणजी ट्रॉफी के बाद ये ह्यूमन ट्रॉफी बिहार के लिए बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो हमें अच्छा लग रहा है। कितने रन से जीते? हम विकेट से जीते हैं, हम 7 विकेट से मैच जीते हैं। कितना का लक्ष्य दिया था उन लोगों ने? हमें 236 का लक्ष्य दिया, 34 का लक्ष्य दिया था, हम लोग ने 45 ओवर में ही 3 विकेट पे बना लिया। क्या नाम था? बासुकीनाथ मिश्रा, भागलपुर कप्तान। आप